in a better way, in a more advanced way. So let's go through a journey of a neuro rehabilitation. Basically, what is neuro rehabilitation? Basically, it's a process where we treat the impairments of a patient, that is neurologically disordered patients, to make them to the normal life, or I should say, if not normal, completely normal, then we should treat them to the become to come to near to the normal. अगर हम उनको normal नहीं ला सकते, but we should bring them to near to the normal so that they can have their own life independently. So basically, a paralysis जो patients को होता है, तो वो तीन उसमें होता है, एक stroke में, एक spinal cord injury में, एक traumatic brain injury में. इन तीनों कंडीशन में पेशेंट्स को पैरालिसिस होता है जिसको न्यूरो रिहैबिलिटेशन चाहिए होता है. तो हम इसमें पास्ट में क्या करते थे बेसिकली न्यूरो रिहैब में, अगर हम 1970s में जाएं, तो व्हाट अ थेरेपिस्ट डू टू ट्रीट सच पेशेंट्स, टू ट्रीट अ पैरालिटिक पेशेंट. तो बेसिकली पुराने में हम दो अप्रोचेस यूज करते थे, वन इज कंपनसेटरी स्ट्रैटेजीज और एक होता है मसल एजुकेशन. अगर हम कंपनसेटरी स्ट्रैटेजीज की बात करें, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते थे कि अगर पेशेंट राइट हेमी है, तो हम उसको कंपनसेट कराते थे कि वो लेफ्ट से खाना खाने लगे, लेफ्ट से लिखने लगे. वी मेक हिम प्रैक्टिस टू डू ऑल हिज एक्टिविटीज फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड. अगर वो राइट से चल नहीं पा रहा है, तो हम उसको असिस्टिव डिवाइस देते थे, केन दे दिया, वॉकर दे दिया, स्प्लिंट लगा लिया, गेटर लगा दिया, so that he can come to his normal life, he can come to be the independent in his life. So pehle hum right hand ki jagah usko hum left hand pe focus zyada karte the apne treatment mein, taki wo near to the normal life aa jaye, apne sare kaam independently kar sake, kisi pe burden nahi bane. So main focus hamara us pe independence hi pe rehta tha pehle jab hum treatments karte the patients ka. Aur dusra hum karte the muscle education, jisme ki अगर टोटल पैसिव मूवमेंट्स करते थे, असिस्टेड आ गया, रेजिस्टेड आ गया, देन वी कम टू द ग्रास्प एंड रीच फिलॉसफी पे हम जाते थे, या स्पास्टिक हो गया तो वी डू गो फॉर आइसिंग टू द पेशेंट्स. तो पहले अर्लियर ये चलता था इन पेशेंट्स पे. एंड व्हाट अब हम क्या करते हैं, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें कि हम पेशेंट्स अगर अब हमारे पास न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए आए पेशेंट, तो व्हाट वी डू नाउ इज वी यूज टू अप्रोचेस नाउ. एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, टीम अप्रोच रहता है, और एक वी प्रमोट न्यूरोलॉजिकली रिकवर. अब कोऑर्डिनेटेड टीम अप्रोच में क्या रहता है, बेसिकली एक टीम होता है, इसमें होलिस्टिक अप्रोच रहता है. बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रहेगा, स्पीच थेरेपिस्ट रहेगा, एंड साइकोलॉजिस्ट रहेगा. टुगेदरली दे वर्क एंड ट्रीट द पेशेंट इन अ होलिस्टिक वे, ताकि पेशेंट्स में जो फिजियोथेरेपिस्ट बेस्ट कर सकता है, ही गिव्स हिज बेस्ट ट्रीटमेंट. जो ऑक्यूपेशनल कर सकता है, वो ऑक्यूपेशनल करता है. यू कैन सी देयर इज अ टीम इन द पिक्चर, जिसमें कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, एक स्पीच थेरेपिस्ट है, जो कि टुगेदर एक टास्क को कर रहे हैं. एंड द टास्क इज नथिंग बट एक पेशेंट जो कि वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सके. तो अब इसमें अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट को देखें, तो फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग देता है, एंड्योरेंस देता है उसको, ट्रांसफर टेक्निक सिखाता है, गेट ट्रेनिंग सिखाता है. तो उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का आता है एडीएल्स के लिए. मान लो एक पेशेंट अगर बटन अप नहीं कर पा रहा है अपनी टी शर्ट को या शर्ट को, तो देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वहाँ वेलक्रोज पेस्ट कर देता है, ताकि वो आराम से उसको पेस्ट करके क्लियर कर सके शर्ट को. अगर खाने में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके स्पून में, उसके फोक में उसकी थिकनेस को बढ़ा देता है होल्डिंग वाली को, ताकि आराम से पेशेंट ग्रिप कर सके एंड उसको नॉर्मल लाइफ में इंडिपेंडेंस फील कर सके, किसी और की जरूरत ना हो नॉर्मल डेली एक्टिविटी लिविंग में. इसी तरह स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प करता है उसको स्वॉलिंग में, कम्युनिकेट करने में, स्लरिंग ऑफ स्पीच है, तो दैट्स द रोल ऑफ द स्पीच थेरेपिस्ट टू ट्रीट हिम फॉर द स्पीच लेवल. साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, बिकॉज सच पेशेंट्स गो फॉर डीमोटिवेशन, डिप्रेस रहने लग जाते हैं. तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट उनकी फैमिली मेंबर्स को ज्वाइन करता है, पेशेंट को मोटिवेट करता है, काउंसलिंग करता है. तो बेसिकली दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच जो हम आजकल अभी यूज कर रहे हैं पेशेंट्स में, कि टुगेदर एक टीम बनाकर
पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं और साथ साथ एक न्यूरोलॉजिकल रिकवरी पे भी वर्क करते हैं, जिसमें कि बेसिकली हम स्टिमुलेट करते हैं नर्वस सिस्टम को। अगर नर्वस सिस्टम हमारा स्टिमुलेट रहेगा तो बेटर एक्टिविटी पेशेंट की होगी। जो पेशेंट कर नहीं पा रहा है, अगर ग्रास नहीं कर पा रहा है, ग्रिप नहीं कर पा रहा है, तो बेटर एक्टिविटीज कर पाएगा। तो दीज मेथड्स वर बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ रिस्टोरेटिव इफेक्ट्स ऑफ एनकरेजिंग डेवलपमेंटल मूवमेंट पैटर्न। बेसिकली वी वर्क ऑन दैट मूवमेंट पैटर्न्स इन दिस, ताकि पेशेंट्स की रिकवरी बेटर हो सके। जैसे कि हम बात करें तो अगर PNF पे, बोबार थ्योरी पे, ब्रूनस्टॉर्म पे, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर पे, तो नाउ अडेज अगर हमारे पास कोई पैरालिटिक पेशेंट आता है तो वी गो फॉर PNF, वी डोंट गो फॉर पैसिव मूवमेंट, वी डोंट गो फॉर आइसिंग फॉर स्पास्टिसिटी। हम टेक्निक्स को यूज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल अप्रोचेस को यूज करते हैं, PNF को यूज करते हैं, बोबार्थ को यूज करते हैं, ताकि उनका पैटर्न को हम डेवलप कर सकें, ताकि रिकवरी कैन बी मोर फास्टर एंड कैन बी मोर एडवांस्ड। PNF में D1 D2 पैटर्न रह जाता है। तो इस तरह से ये हमारे जो आजकल प्रेजेंट अप्रोच है, पर इसके अलावा भी हमारे फ्यूचर में हम जो अगर देखें इसके एडवांस्ड रिहैबिलिटेशन हम देखें, तो उसमें दो चीज़ें बेसिकली रहता है, एक तो न्यू ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स और दूसरा न्यू टेक्नोलॉजीज। अगर हम टुमारो की बात करें, हमारे लिए टुमारो ही है, बिकॉज अभी जो चीज़ें मैं दिखाने लगा हूँ ये अभी इंडिया में आई नहीं है। अभी हम यहीं तक रुक गए हैं, PNF ब्रूनस्टॉर्म अप्रोचेस तक ही अभी हम होल्ड हैं। तो जो मैं चीज़ें दिखाने वाला हूँ ये हमारे लिए टुमारो है, और बहुत जगह ये अभी भी हो रहा है। तो बेसिकली न्यू ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स और न्यू टेक्नोलॉजीज को अगर हम इन्वाइट करें, उस पर वर्क करें, तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ बेटर न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन फॉर आवर पेशेंट्स। अब ये जो नई टेक्निक्स हैं एंड टेक्नोलॉजीज हैं, बेसिकली दीज शो इम्प्रूवमेंट्स इन द कॉर्टिकल लेवल, दे शो रिस्ट्रक्चरिंग इन द कॉर्टिकल लेवल, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहेंगे, एंड इट इम्प्रूव्स द पेशेंट मच बेटर वे, जो कि अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में हो रहा है। बेसिकली हम हेड लेवल पर, हम ब्रेन लेवल पर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द बेटर नर्वस सिस्टम, वी कैन गेट द बेटर कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन। अगर कॉर्टिकल लेवल पे रिस्ट्रक्चरिंग होने लग जाए ब्रेन की, तो बेटर कमांड्स और बेटर मूवमेंट्स आने में और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, दे वर्क ऑन द कॉर्टिकल लेवल्स, दे वर्क ऑन द कॉर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये जो नए टेक्नोलॉजीज और प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली ये कुछ प्रिंसिपल्स में वर्क करती हैं। पहला अगर मैं बात करूँ तो वो है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। बेसिकली इसमें हम फंक्शनल टास्क कराते हैं, टारगेटेड गोल्स रहते हैं, ओरिएंटेड टास्क कराते हैं। मतलब अगर हम एक पेशेंट पैरालिटिक है, उसको वॉक नहीं हो पा रहा, तो पहले हम उसको पैसिव मूवमेंट कराएंगे, फिर उसको असिस्टेड पे लेके आएंगे, फिर रजिस्टर्ड पे लाएंगे, फिर स्टैंडिंग पे लाएंगे, फिर उसको हम बैलेंसिंग ट्रीट करेंगे, देन वी विल गो फॉर एम्बुलेशन एंड देन स्टेयर। इतना लंबा टाइम इतना लग जाएगा एक पेशेंट को ठीक होने में, बीइंग अ नॉर्मल आने में, और पेशेंट तब तक साइकोलॉजिकली कितना डीमोटिवेटेड हो जाएगा अगर आप ये सोचें तो। मतलब पेशेंट ऑन द हाफ वे ओनली ही विल गिव अप, और फिर उसके बाद थेरेपिस्ट भी इतना टाइम तक पेशेंट के साथ जुड़ा रह सकता है दूसरी। तो इसलिए जो अब टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसमें हम फंक्शनल ओरिएंटेड रहते हैं, टारगेटेड गोल्स रहते हैं, हम पैसिव मूवमेंट को ही डायरेक्ट पैसिव मूवमेंट से हम असिस्टेड पे जाएं, रजिस्टर्ड पे जाएं, इसकी जगह हम पैसिव को ही अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ हम सीधा ही एम्बुलेट करा देते हैं। तो बीच का जो मिडवे है, हम उसको एक तो माइनस कर देते हैं, जिससे कि एक तो टाइम कम लगता है और पेशेंट के लिए भी बेटर है। अगर हम सेकंड प्रिंसिपल की बात करें, दैट इज लाइक प्रोग्रेसिव टास्क रिलेटेड प्रैक्टिस ऑफ स्किल्स। मतलब वही स्किल हम बार बार उसको प्रैक्टिस कराएंगे, रिपीटेटिव प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसके ब्रेन लेवल पर कॉर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग होगी, न्यूरोजेनेसिस होगा, जिससे कि उसकी रिकवरी विल बी मोर फास्टर एंड मोर बेटर। थर्ड प्रिंसिपल पे अगर हम आए तो दैट इज एक्सरसाइजेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड फिटनेस। जैसे जैसे पेशेंट जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, इट विल हेल्प इन ग्रेटर न्यूरोजेनेसिस, जिससे कि बेटर कॉग्निटिव टास्क को कर पाएगा, दैट विल बी लेस हाइपोकैम्पल एट्रोफी एंड रिड्यूस्ड इन वास्कुलर रिस्क ऑफ डिमेंशिया। अगर फिफ्थ प्रिंसिपल इज नई टेक्नोलॉजी के बाद में बात को लें, तो दैट विल बी ड्रग विच इज टोटली नॉट आर पार्ट, बट स्टिल ड्रग्स भी साथ साथ चलेंगे उस पेशेंट के लिए, और साथ में न्यूरो स्टिमुलेशन भी होगा, जो कि नई टेक्नोलॉजीज, नई रोबोट्स के साथ हम उसको ट्रीट करें।
अब हमने डिसाइड तो कर लिया कि हम तो नई टेक्नोलॉजीज, नई ट्रीटमेंट, नई एडवांस से करेंगे एंड इट विल हेल्प हिम इन दिस ब्रेन पार्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग, बट हमें कैसे पता चलेगा कि रियली वो वर्क कर रहा है? बिकॉज ब्रेन में घुस के कौन देखेगा कि सच में पार्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है? मतलब अब पेशेंट को भी हम कैसे वो करेंगे, कन्विंस करेंगे कि यस यू आर ऑन अ बेटर वे? बिकॉज न्यूरो रिहैबिलिटेशन पेशेंट्स को टाइम लगता है एंड टाइम के साथ साथ उनको मोटिवेशन, साइकोलॉजिकली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो टिल दैट टाइम हम उनको बांध के रखेंगे यस द रिकवरी इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन लेवल. तो उसके लिए बेसिकली टू डायग्नोसिस हैं जो कि एडवांस लेवल के हैं. वन इज फंक्शनल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी. बेसिकली इसमें क्या होता है कि ब्रेन की एवरी लेवल पे इमेजिंग, ब्रेन एक्टिविटी, जब पेशेंट कुछ एक्टिविटी करता है तो हम उसकी एक पिक्चर शॉट से खींचते रहते हैं हर लेवल पे, ताकि पता चलता रहे कि कितना ऑक्सीजनेशन हो रहा है उस एक्टिविटी के ड्यूरिंग. कम हो रहा है तो वी कैन एनहांस द एक्टिविटी, वी कैन इन्वॉल्व द पेशेंट इन टू दैट एक्टिविटी मोर एंड मोर, ताकि ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ सके. एंड हाउ दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स, लेट मी शो यू. यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ ब्लू इलेक्ट्रोड. अब ये ब्लू इलेक्ट्रोड हम फोरहेड पे या हेड पे रखते हैं पेशेंट के, तो दिस कॉन्टिन्यूसली टेक्स एन इमेज ऑफ द ब्रेन इनसाइड विच शोज के वॉट इज द एक्टिविटी, वॉट इज द लेवल ऑफ ब्लड ऑक्सीजन इन द ब्रेन एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स. तो हम जैसे आज हमने एक इमेज लिया, ये जो इलेक्ट्रोड है इट विल बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड in a better way. Again, you see it. Let me forward it some. Yes, the ball is reaching to the patient, and once he will do the actions outside, the ball will be kicked inside. It's all virtual reality stimulation. It's called all virtual reality stimulation. We are used to play games like this, our Xbox and all. But internationally, we are using this for the treatments of the patient, for a treatment of a paralytic patient. This is what the third thing, and now let's move on to the fourth technology which we have, and I think this will be the last one. And उसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत ही अलग सी चीज है जो आपने सोची भी नहीं होगी. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो रहा है, ऐसे भी ट्रीट होते हैं पैरालिटिक पेशेंट. This fourth one is brain computer interference. मतलब आप सोचो ब्रेन में और स्प्लिंट वो काम करके देगा. It's totally based on that thing. आपके ब्रेन में जो पेशेंट के ब्रेन में जो थॉट आएगी वो थॉट प्लिंट रीड करेगा, और वो उसको अगर आपने रीड किया कि मुझे रिस्ट फ्लेक्शन में करना है, ब्रेन में सोचा आपने कि रिस्ट फ्लेक्शन में करना है, वो कमांड को ब्रेन रीड करेगा, स्प्लिंट रीड करेगा सॉरी, और वो स्प्लिंट विल मेक योर रिस्ट इनटू फ्लेक्शन. मतलब जो पेशेंट बिल्कुल ही वेजिटेटिव स्टेट में है, बोल नहीं सकते हैं, बिल्कुल ऑन बेड है, ये उनके लिए है. व्हाट इट इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच अलाउज अ ह्यूमन टू कंट्रोल अ कंप्यूटर पेरिफेरल और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद थॉट. मतलब एक कंप्यूटर को हम अपनी थॉट कंट्रोल कर सकते हैं. इट डज सो बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड्स टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन द ब्रेन व्हिच आर सेंट टू द कंप्यूटर. हम हेड पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं, इट्स वर्क्स ऑन द ईईजी पे वर्क करता है. वो इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के जो सोचते हैं उसको रीड करेगा. वो इलेक्ट्रोड्स एक कंप्यूटर से अटैच होते हैं, वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रोड्स के थ्रू उस कंप्यूटर तक पहुंचेंगे. कंप्यूटर हमारी ब्रेन की कमांड्स को रीड करेगा, और सेकेंड दूसरी तरफ वो कंप्यूटर एक स्प्लिंट से अटैच है, तो वो जो हमारी ब्रेन के सिग्नल्स कंप्यूटर तक आए उसको रीड करके कंप्यूटर ने स्प्लिंट को ट्रांसफर किए, और वो स्प्लिंट वो मूवमेंट करेगा. हाउ ब्यूटिफुली इट वर्क्स, लेट मी शो यू. मतलब इट्स टोटली अनबिलीवेबल. और ये इसका
अगर एडवांटेज जो मैंने आपको बताया, इट वर्क्स इन टोटली वेजिटेटिव पेशेंट्स जो बोल नहीं सकते उनके लिए. डिसएडवांटेज यही है कि इट्स नॉट अवेलेबल एट एवरी प्लेस, रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन इट हाउ यूजफुल इट इज. सो लेट मी शो अ वीडियो ऑफ इट. यू कैन सी दिस इलेक्ट्रोड कैप. वी हैव मेड अ पेशेंट वियर इट. We will attach the electrodes to the patient. Consists in non-invasive recording of the electrical brain activity on the scalp using the conducting electrodes. Such a measurement represents a standard clinical approach. After setting up the EEG cap, the electrodes are filled with a conducting gel. The acquired values of the recorded EEG signal are processed by the computer, which is connected back to the robotic splint. His wrist. The paretic arm is fixed in the robotic splint to make the patient feel comfortable. During neurorehabilitation training, the passive sequences when the patient is instructed to relax are alternated with active sequences when in the sensory motor cortical area. This is due to synchronization and desynchronization of the EEG rhythm. The patient is rewarded by the splint moving the wrist in a predefined way. The system allows to control the level of the required signal change during mental movement and hence to modify the difficulty of the training. The alternation of the sequences is maintained by vocal instructions. Relax. Move. यहाँ नहीं हो रहा है पर कहीं तो हो रहा है. और अब इसी में जो फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, जो हमारी स्टडीज चल रही हैं, जो हमारी इन्वेंशन चल रही हैं, उसमें यह है कि यही टेक्नोलॉजी से एक पूरा रोबोट बनाया जाए जो कि पेशेंट सोचे कि उसको लेफ्ट लेग आगे रखना है और वो रोबोट लेफ्ट लेग आगे रख दे. अभी हम लोकोमार्ट से हम कर रहे थे, इट वॉज ऑल कंप्यूटराइज. उसमें हमें सेट करना पड़ रहा था कि ये लेग आगे, ये हिप का इतना फ्लेक्शन, ये इसका इतना, नी का इतना एक्सटेंशन. तो वो लोकोमार्ट उस पर चल रहा था. बट अब जो फ्यूचर प्लानिंग चल रहा है वो एक स्प्लिंट से एक पूरा स्केलेटन बनाने को चल रहा है कि वो हम सोचे कि इतना हमें लेफ्ट लेग से आगे वॉक करना है और लेफ्ट लेग आगे चली जाए. हमें सोचे कि हमें लेफ्ट लेग राइट लेग आगे रखना है और लेफ्ट राइट लेग आगे चली जाए. इन दिस बेसिकली व्हाट कंप्यूटर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस टू अ एक्सोस्केलेटल ब्रेस. We bypass the damaged area of the brain or spinal cord by sending thought of waves to the limb. हम कंप्यूटर से स्केलेटल को वेव्स भेजते हैं, एक्सोस्केलेटल को वेव्स भेजते हैं जो कि बायपास कर देता है हमारे इंजर्ड पार्ट को, इंजर्ड एरिया को और कमांड्स को आगे फॉलो करता है. Let me show you, this is all experimental. This exoskeletal thing is going under researches, is going under trials, whether it will benefit to the patient. And it will harm the patients more. Let me show you a video of this. This is an exoskeleton, you can see. It has a wireless EEG emitter. And here we have a receiver. Yeah, receiver se transmit hoga. Aur ye wireless read karega. Yahan se ye signal process hoga. And we have a visual thing. To keep forward, turn, forward, right, back, sab mein hai. सब कमांड्स को बताएगा. अगेन वी हैव प्लेस एन इलेक्ट्रोड कैप टू द पेशेंट. ईजी कैप फॉर बेटर कंडक्टिंग. वी आर पुटिंग द जेल इनटू इट. जैसे ईजी आपने करते हुए देखा होगा सेम उसी तरह से. नाउ हम पेशेंट्स को कमांड देंगे कि उसको वॉक करना है, लेफ्ट लेग आगे रखना है. तो पेशेंट अपने ब्रेन में सोचेगा उसको लेफ्ट आगे रखना है और वो चीज हमने उसको कमांड दिया. पेशेंट ने अपने माइंड में सोचा, उसकी जो इलेक्ट्रोड से इस ट्रांसमिशन वायरलेस ने रीड किया, उसको सिस्टम में उसने ट्रांसफर किया, सिस्टम से यहाँ पे एक्सोस्केलेटल पे ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होते ही एक्सोस्केलेटल ने अपना मूवमेंट दिखाया. मतलब जो माइंड ने सोचा इलेक्ट्रोड से इस रिसीवर पे गया, रिसीवर से सिस्टम में, सिस्टम से इस ट्रांसमीटर में और एक्सोस्केलेटल स्टार्ट्स
functioning it, starts moving it. You can see this is a total paralytic patient with a paraplegic patient. He's just thinking that he has to lift his left leg and the exoskeleton is lifting the left. He has to lift the right leg, the exoskeleton is helping him to lift the right leg. The restructuring of brain will be more than that. In the first day, the patient can walk. Mainly with an external support, the patient can walk. In the second day, activity of the patient, line, पर कहीं तो हो रहा है. मैं बार बार यही कहूंगा कि ये टेक्नोलॉजीज जो है दिस इज आर टुमारो. ये आज कहीं हो रही हैं पर कल इंडिया में भी होंगी. वी हैव रीच्ड टू एफईएस एंड समवेयर एट सम प्लेसेस वी हैव आवर वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन आल्सो वर्किंग विद अस एंड मिरर आल्सो वी आर डूइंग. बट दिस ब्रेन इंटरफेरेंस थिंग इट स्टिल हैज टू रीच इन इंडिया. And definitely it will come sooner or later in coming years and we will treat our patients in totally different way. Matlab passive movements ek taraf reh jayega aur in is tarah se hum aage aane wale time mein apne paralytic patients ko treat karenge. You can see how our future will be of our paralytic patients. To ye kahin to ho raha hai, yahan nahi ho raha. To ek din hamare sath India mein bhi hoga aur jaldi hoga bade bade centers. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot for a great elaboration on the topic, neurorehabilitation. And we have a deep insight about what we were doing and now what is the future of the neurorehabilitation from the relaxed passive movement and the PNF techniques. Now we are moving towards the robotics and other brain interface technologies in the neurorehabilitation and many more in the neuromodulation also. So really, it was a great presentation, excellent presentation. So we have a great learning today, sir. Thank you very much, sir. Can we go ahead for some queries, sir? There are, I think, definitely. Yes, sir. So can you read from the chat box, or I should narrate for you? You can narrate for me. That will be much better. Okay, sir. So there is one query, sir. For starting with FES bike, what should be the minimal MMT grading? What will the minimal MMT grading, manual muscle testing gradings? See, I told you we can put a total passive patients on it also. If we have MMT 1 also, we can put the patient. We have to set the settings accordingly. It takes passive patients also, assisted patients also. So it's MMT matlab 1 pe bhi hum le sakte hain patients ko, total passive patients ko bhi hum FES bikes pe le sakte hain. There's one more query, sir. There are do's and don'ts for FES application. Do's and don'ts for FES. Do's and don'ts में ये है कि एक तो अगर upper limb ज़्यादा affected है या तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि we have upper limb FES also, कि उसमें हम क्या better रह सकता है. Patient can sit on the wheelchair for such more time also or not. तो वो सब चीजें देखना पड़ेगा. फिर उसका थोड़ा बाउल एंड ब्लैडर का भी चेक करना पड़ेगा, वेदर ही कैन सिट फॉर सम फॉर दैट मच टाइम ऑन एफईएस और नॉट. तो बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आर वेरी लेस इन एफईएस. मेजरली इंडिकेशंस हम मतलब यूज करते हैं एफईएस उसमें पेशेंट्स को. Now, sir, how much weeks taken from zero MMT to improvement phase by the locomotor training in case of paraplegia?
He want to ask about how many time it takes to get recovered from the paraplegia if patient was previously in the grade 0 in MMT, I think after using FES. Sir, once again, sir, it's not audible, yes, actually. The signal is... Yes, sir. So the question is like, someone is asking that how much time it will take for a patient to get recovered from paraplegia, complete paraplegia, muscle grade was 0, then how much time after the patient will get recovered? It's totally dependent upon the injury, what injury is having, what are the diagnoses, a complete spinal cord injury hai, incomplete spinal cord injury hai. It's totally dependent upon the injury, kis level per injury hai, us par pura depend rehta hai. It's not a fixed protocol ke itne time mein patient recover ho hi jayega. Some will take more time, some will take less, depending upon the diagnosis of their diagnosis. Yes, thank you, sir. Thank you very much. There is one more query, sir. Can we have a brief insight into the affordability of these techniques? The cost affordability of the techniques? These advanced neurorehabilitation. These technologies are still not introduced in India. So it will take time to come in India. These robots will take time to come to India. And till the time it comes to India, uske affordability bolna bahut mushkil hai abhi ke kahan aayegi India mein aur kitne higher centers mein aayengi aur fir kya uska cost rehta hai. So, but it is already started in internationally, and definitely one day it will soon reach to India also. We will start treating our neuro rehab patients, our paralytic patients, and with these techniques also. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Can you please briefly give an overview on the frequency and the time which is commonly used for the treatment of using FES? And any idea about the cost? FES we give once in a day. Basically, what we use in our setup, once in a day, one session in a day. To the patient, or cost is not much in this. Basically, the cost is not much in the FES session to the patient. It is affordable to the patients, and it's a simple way of giving a treatment. Like we just place the electrodes and do all the settings. It's a muscle simulator hota hai, usi tarah se FES ka. And we have a smaller version also in FES, so which we can carry to the wards also. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. There's one more query. Actually, we are receiving lots of queries. Means people were sincerely attending the session, and it was a great session. It is a actually. Thank you very much. Yes, sir. So there's one more query that can you please give an overview in the role of RTMS in neurological conditions? RTMS. Come again. Role of RTMS. RTMS. Repetitive transcranial magnetic stimulation, its role in the neuro rehabilitation. Any brief overview? It has a good role. Please. Come again? What? No, sir. Please go ahead. Yes, we have a good role in this, and we have seen the recovery is much better with it. But depends how the therapist, how comfortable the therapist in using it. But, हर थेरेपिस्ट का एक प्रोटोकॉल सेट होता है कि ही इज कंफर्टेबल विद पीएनएफ और ही इज कंफर्टेबल विद व्हिच अप्रोच ही इज सो एंड विद व्हिच अप्रोच ही इज गेटिंग द रिजल्ट्स सो इट ऑल बेस्ड ऑन द थेरेपिस्ट टू सिलेक्ट व्हिच थेरेपिस्ट व्हिच अप्रोच ही इज सिलेक्टिंग फॉर द पेशेंट्स एंड इन व्हिच अप्रोच ही इज better and is the best. So thanks a lot, sir, for your great session. We had a great learning ahead, and in the chat box also we are receiving a very good compliments, very good feedback over here. So it was really a wonderful session. We had a great learning ahead, and even though I would like to let you know, sir, that in today's session we have such a great eminent personalities with her who has joined us for this session only. We have the teacher of the teachers, Professor Dr. Sanjeev Kumar, sir, from the KL Institute of Physiotherapy, Belgaum, Mumbai. And along with this,
We are having a few more senior dignitaries present over here. Dr. Kalpana Jutshi ma'am, she is the associate professor in the Jamia Hamdard University, Delhi. Dr. Jiten Munjal sir, he is a senior physiotherapist in the North DMC Medical College, Delhi. My own teachers, Dr. Harsh Rajdeep sir, Dr. Charu Sharma ma'am, Dr. Ritu Rajdeep ma'am. So they all are joining us. And You have forgot one legendary, that is Dr. Dharampani Pandey sir. I can see him here. My all regards to all these legendary peoples here who took their time out and listened to me. I know I'm still in a learning phase from all of you, but I am on the right path and I hope we'll do better in the coming time. Yes, sir. So it is really a matter of immense pleasure for us. And we are really honored to have all such dignitaries present over here for supporting us, for blessing us. And we are really indebted for them, for their love and blessings. Yes. So even though, sir, you would be pleased to know that we are having the participants from three countries in the session. Dr. Amita Anup Sharma, ma'am, she is senior physiotherapist from the Dubai Yanubu. My teacher, Dr. Hello, Charu Sharma, is joining us long away from the Washington, USA. One more physiotherapist, Dr. Priyanka Mangal, ma'am, she's also joining us from the USA itself. And you know, the dignitaries and legendary physiotherapists are joining us from all the part of the country, from Assam to the Srinagar. So we are really grateful to all the participants, all the senior academicians and teachers for joining us and supporting us. Yeah. And we are really heartfully thankful to you, sir, for giving your time to share your precious knowledge among us. So it is a really immense pleasure for us. Thank you. Thanks to all joining us. And at the last, now there is information. Tomorrow again, we have a session with Dr. Himanshu Tiwari on the recovery via A3 stage approach. So we'll be again back at 9 p.m. tomorrow. Till then, stay tuned, stay safe, and we'll meet again tomorrow at 9 p.m. Few more webinars has been planned. One, I have shared the link in the chat box of the YouTube channel also, the upcoming webinar, even the link to share, link to register for that webinar. If someone is having any difficulty, they can directly message me. Number is always available in all the flyers, so they can ping me on the WhatsApp if there is any difficulty. So stay in touch, stay safe. Again, thanks a lot to the resource person of the day, our great personality, Dr. Kapil Magu sir. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks. Good night, sir.